Hello everyone, you're watching Food Fitness and Fun and this is Dietitian Manju Malik. आज हम बात करेंगे राइस के बारे में. क्या आप राइस खा सकते हैं अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं? अगर हाँ तो कितने खा सकते हैं मैक्सिमम? किस तरह आप पोर्शन को कंट्रोल करें? क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं राइस खाने की? और हम ये बात करेंगे जो व्हाइट राइस होते हैं उनके बारे में. राइस जो होते हैं उनकी रेपुटेशन बहुत खराब है. जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाइट राइस को है बिल्कुल बंद कर दो, हम लोग वेट लॉस करना चाहते हैं. तो कितना सही है ये? व्हाइट राइस जो होता है बेसिकली आप एक नॉर्मल राइस का जो बाहर का एरिया होता है दैट इज हल निकाल दीजिए, उसका हस्क निकाल दीजिए और जो एंड में बचता है प्रोसेस करने के बाद दैट इज व्हाइट राइस. यस, अगर आप व्हाइट राइस एक्सेस में खाते हैं तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका बीपी बढ़ सकता है, आपका फास्टिंग शुगर रेट जो है वो हाई जा सकता है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बढ़ सकता है एंड ऑब्वियसली आपका वेट गेन हो सकता है अगर आप एक्सेस में खाएंगे व्हाइट राइस ऑन अ डेली बेसिस. लेकिन फिर से वही सवाल, वेट लॉस के लिए क्या इतना अनहेल्दी है? एक्चुअल में राइस जो है वो इतने अनहेल्दी नहीं है अगर आप उन्हें सही तरीके से, सही उनके पोर्शन को खाएं और सही टाइम पर खाएं. सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशियस वैल्यू की, क्योंकि सबसे पहले यही चीज बोली जाती है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है. तो कितने कम है कंपेयर टू ब्राउन राइस वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो एक कप पके हुए राइस के न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो कैलोरीज जो है वो ब्राउन राइस में ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस. दैट इज बिकॉज इनके अंदर फैट ज़्यादा होता है. ब्रैन जो होता है बेसिकली राइस ब्रैन ऑयल वो वहीं से आता है. बाकी अगर आप चीज़ देखेंगे प्रोटीन ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 1 ग्राम के आसपास. फाइबर ज़्यादा है, कार्ब्स ब्राउन राइस में ज़्यादा है. तो न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. लेकिन हाँ, अगर हम बात करेंगे टोटालिटी में तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी विटामिन एंड मिनरल्स वो ज़्यादा होते हैं ब्राउन राइस में एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस. नेक्स्ट चीज़, जब भी वेट लॉस की बात करते हैं हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की. फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 1 से 100 तक की एक रेंज होती है, उस पर उसे मापा जाता है. और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना हाई होता है वो उतना ही अनहेल्दी होता है इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस. ऐसे में लो, मीडियम और हाई अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, ब्राउन राइस जो होते हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं. लेकिन व्हाइट राइस जो होते हैं वो मीडियम, वो भी हाई नहीं होते हैं, वो मीडियम, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो मीडियम होता है. लेकिन कभी भी हम राइस को अकेले नहीं खाते, हम राइस को कंबाइन करके खाते हैं दाल के साथ, राजमा के साथ, छोलों के साथ, कभी कभी पुलाव बनाकर. तो जब भी हम कंबाइन करके फूड की बात करते हैं तो हम ग्लाइसेमिक लोड की बात करते हैं. जब लोड की बात आती है तो राइस जो होते हैं वो इतने अनहेल्दी नहीं रह जाते हैं, वो हेल्दी हो जाते हैं बिकॉज आप उन्हें फाइबर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो दे बिकम हेल्दी. किन लोगों को व्हाइट राइस खाना चाहिए अगर वो वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं? अगर आपको इनडाइजेशन की, ब्लोटिंग की, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है तो आप व्हाइट राइस को प्रेफरेंस दीजिए. अगर आप सोच रहे हैं कि उसके अंदर फाइबर कम है तो आप दालें खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर होता है, वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर होता है, तो फाइबर आपको वहां से मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है. प्रोटीन आपको दाल से मिल जाएगा, पनीर से मिल जाएगा. सो व्हाइट राइस अगर आप इस तरह से खाएंगे तो आपके लिए वो हेल्दी रहेगा. साथ ही जो ब्रान होता है राइस के अंदर, उसके अंदर एक तरह का एसिड होता है, आर्सेनिक एसिड. वो आपके लिए हानिकारक तो होता ही है, साथ ही आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को वो ब्लॉक कर देता है, जैसे कि जिंक है, इवन प्रोटीन टू सम एक्सटेंट. तो ऐसा ना हो कि आप ब्राउन राइस अपने फायदे के लिए खा रहे हैं लेकिन आपको वो नुकसान कर जाए. मैंने अभी हाल ही में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की वर्कशॉप्स अटेंड की थी, जहां पर मुझे पता लगा कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं दे प्रेफर हैविंग व्हाइट राइस आफ्टर देयर एंटायर वर्कआउट या अपने पूरे सेशन के बाद, ताकि उन्हें एनर्जी मिले, इंस्टेंट एनर्जी. उनका जो भी ग्लाइकोजन टैंक्स जो है जो डिप्लीट हो चुके हैं वो रिप्लेनिश हो जाएं एंड दे गेट एनर्जी एज सून एज पॉसिबल, ताकि उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा डैमेज ना हो बिकॉज उनके ग्लाइकोजन टैंक्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं. वाटर कॉन्टेंट बहुत हाई होता है राइस के अंदर. सो स्पोर्ट्स पर्सन को तो स्पेशली डाइट ये दी जाती है जहां राइस हो थोड़ा सा, साथ में व्हाइट राइस, उन्हें ऑब्वियसली साथ में वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन के सोर्स दिया जाता है. लेकिन इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि उन्हें व्हाइट राइस दिया जाए. कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. डोंट बेस योर डाइट कम्प्लीटली ऑन राइस, चाहे वो ब्राउन राइस हो चाहे व्हाइट राइस हो. ओवर कुक नहीं करना है, अगेन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा. प्रेशर कुकर अवॉइड करें. राइस को भी अगर आप पैन के अंदर कुक करें, उनका वाटर आप प्लीज ना निकालें, क्योंकि अगर आप पानी निकाल लेंगे तो आप न्यूट्रिएंट्स भी निकाल रहे हैं उसके अंदर से.
चावल का पानी आपको नहीं निकालना है। अवॉइड हैविंग राइस जो बहुत छोटे छोटे होते हैं या स्टिकी राइस जो होते हैं, जैस्मिन जो राइस होते हैं वो अवॉइड करें, बिकॉज दे आर बेसिकली हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स देन यूजुअल। जब भी आप राइस खाने बैठें, मैंने आपसे कई बार पोर्शन कंट्रोल के बारे में बात की हो, चाहे वो प्रोटीन की बात हो चाहे कार्ब्स की बात हो, अपने आप चाहे वो आप प्लेट ले रहे हैं या बोल ले रहे हैं, उसको चार पार्ट में डिवाइड करें। उसका आधा जो हिस्सा है वो पूरा वेजिटेबल से भरा हुआ होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा आप कोशिश करें प्रोबायोटिक्स को ऐड करना, चाहे वो लस्सी हो चाहे वो दही हो, इस तरह का प्रोबायोटिक, या फिर घर पे बना हुआ अचार हो। उसके बाद बाकी जो आधा बचा हुआ है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट में आपका कार्ब्स आना चाहिए, यानी अगर आप इस तरह से खाएंगे तो आधे कप से भी कम राइस आपको एक टाइम पे खाना चाहिए, और बाकी जो है उसे आप प्रोटीन से भर दीजिए, चाहे वो आपका चना हो, आपने छोले बनाए हैं, राजमा, दालें हैं। अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स और पनीर ऐड कीजिए। आप खिचड़ी बना सकते हैं क्योंकि उसमें दाल ऐड होगी। तो जब भी आप राइस खाने बैठे, कुछ इस तरह आपका बोल या प्लेट दिखनी चाहिए। सब्जियां बहुत ज्यादा, प्रोटीन अच्छा उसके अंदर, और राइस बट इन कंट्रोल। कुछ और तरीके हैं पोर्शन कंट्रोल करने के, जैसे आप ये फिगर दे सकते हैं। प्रोटीन जो होना चाहिए आपके जो पाम होता है हाथ का, उसके साइज का होना चाहिए सर्विंग। साथ ही राइस जो होना चाहिए वो मुट्ठी भर ही होना चाहिए आपकी प्लेट के अंदर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जेंडर, एक्टिविटी लेवल क्या है आपकी, आपका वेट क्या है, टोटल कैलोरी इनटेक क्या है, साथ ही आपके वेट लॉस गोल्स क्या हैं। अगर मैं कार्ब्स की बात करूं तो आपकी टोटल कैलोरीज का मिनिमम 45% अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैक्सिमम 60% कार्ब्स से आना चाहिए। एक और मैंने स्टडी पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि वुमेन के लिए सर्विंग साइज है 38 ग्राम्स पर सर्विंग, और अगर आप मेल हैं तो 50 ग्राम्स पर, ये वेट लॉस के लिए है। साथ ही कुछ रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, वन पॉट राइस रेसिपीज़, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और वो बन जाएंगी मेरे उस दिन की स्टोरी। साथ ही एक और क्वेश्चन रहेगा कि हम रात में राइस खा सकते हैं कि नहीं। अगर आप सेम तरीके से अपना पोर्शन कंट्रोल करके राइस खा रहे हैं तो आप रात में खा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर सोने से 2 या 3 घंटे पहले आपका जो डिनर है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप ना खाएं। और राइस जो खाते हैं लोग, उन्हें भूख भी इसलिए ज्यादा लगती है, राइस जो होता है उनका डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, जल्दी से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के बाद वो डिप्लीट भी उतनी जल्दी होती है। अगर आप सही तरीके से उसकी सर्विंग को आप यूज करेंगे तो आपको कभी ऐसी फीलिंग नहीं होगी, रात में भी आपको कभी ऐसी फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन जो होता है उसका डाइजेशन बहुत स्लो होता है, वो आपको काफी देर तक फुल रखता है। फाइबर जो होता है वो भी आपको काफी देर तक फुल रखता है। साथ ही राइस खाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके मैक्सिमम प्रोटीन के जो सोर्स है वो इनकम्प्लीट है, तो आपको पूरे के पूरे एसेंशियल अमाइनो एसिड उसे नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्स को कंबाइन कर देंगे तो आपको प्रोटीन कंप्लीट मिलेगा। राइस और पल्सेस या लेंटिल्स या राजमा या किसी को भी जब आप कंबाइन करते हैं तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। तो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाया था, बड़ा सोच समझ के न्यूट्रिशन को ध्यान में रख के ही बनाया था कि अगर आप दाल चावल खाएंगे तभी आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। अकेले दाल खाने से आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, अकेले राइस खाने से आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, ये कॉम्बिनेशन में आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन देते हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करते ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो डालें उसका अपडेट आपके पास फटाफट पहुंच जाए। बाय बाय।